पंजाब के जीरकपुर नगर काउंसिल में बीते दो दिनों से रजिस्ट्रियों को लेकर चक्का लगा रहे लोग इस समय हार गए और यही कारण है कि आज सैकड़ों लोगों ने मिलकर नगर काउंसिल का घेराव किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार के आला अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने के लिए नाजायज तरीके से आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि जिन कॉलोनियों को बसे हुए लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आईडी तक बनी है और सीवेज सड़कें स्ट्रीट लाइट सरकार ने बनाई, तो ऐसा क्या कारण है कि इन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई? हम लोग, हमारे जो डीलर भाइयों की समस्या है भली भांति आप लोग जानते हो, हम आपके द्वारा आगे इनको बताना भी चाहते हैं प्रशासन को, जो समस्या हमारे डीलर भाई भुगत रहे हैं, एनओसी की जो समस्या इन्होंने नई खड़ी कर रखी है, और उससे पहले जमाबंदी देख के रजिस्ट्री करते थे, 90% कॉलोनियाँ जो एक्यूपाइड है, इन्होंने कंडीशन लगाई कि भी नक्शे लेकर आओ, बिल्डिंग परमिट लेके आओ, चलो वो भी लाने लग गए। अब इन्होंने नहीं लगा दी एनओसी, डिपार्टमेंट लोकल बॉडी का ये कहता है भी जब आपको हमने नक्शे ही पास कर दिया, बिल्डिंग परमिट ही दे दिया, तो एनओसी किस चीज की बताओ, उससे ज्यादा बड़ी क्या एनओसी जब हमने परमिट ही दे दिया। देख सकते हैं कि इस समय मेरे पीछे जीरकपुर नगर काउंसिल के बाहर जो है आए जा रहे हैं, यहाँ पर एक ही मुद्दा है, रजिस्ट्रिया क्यों नहीं हो रही, वो अनिवार्य है, और जो 20-25 साल पुरानी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों को बना दिया गया और उसके बाद उनकी रजिस्ट्रिया नहीं हुई। बीते कल से ही यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और आम लोगों ने मिलकर एक बार फिर जो है नगर काउंसिल का घेराव किया है, और सबसे विचित्र बात यह है कि अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया और यहां पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है।